राशि वालों का आज का दिन यानी कि 26 दिसंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ 26 दिसंबर 2020 के पंचांग के बारे में आज तिथि है द्वादशी नक्षत्र है भरणी पक्ष है शुक्ल पक्ष दिन है शनिवार आज के दिन सूर्य उदय का समय है सात बज के बारह मिनट में सूर्य अस्त का समय है पाँच बज के इकतीस मिनट में आज का दिन काल है दस घंटे उन्नीस मिनट बयालीस सेकेंड का महीना है मार्ग से आज के दिन शुभ समय शुरू होता है बारह बज के एक मिनट पीएम से बारह बज के पैंतालीस मिनट पीएम तक अशुभ काल शुरू होता है सात बज के बारह मिनट एम से आठ बज के चौंतीस मिनट ए एम तक राहु काल शुरू होता है नौ बज के सैतालीस मिनट ए एम से ग्यारह बज के चार मिनट ए एम तक दिशास है पूरब दिशा की ओर तो ये था आज का पंचांग आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो के नीचे जय सनीदेव कमेंट कर दें इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले समय का अनोखा टोटका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है तो आप उसे भी देखें मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके स्वास्थ्य के बारे में दोस्तों आप में से जो भी जातक जो भी दर्शक आने वाले समय से पहले बीमार थे अगर आपका स्वास्थ्य आपका साथ नहीं दे रहा था तो आने वाले समय के दौरान आप चिंता बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आने वाले समय के दौरान आपके स्वास्थ्य के मामलों में कहीं कोई परेशानी कहीं कोई समस्या नहीं होगा मित्रों आने वाले समय के दौरान ने अगर आपके धन संपत्ति की बात करें तो पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे है दोस्तों आने वाले समय के दौरान ने अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ थे, धन संपत्ति का लेन देन करते हैं पैसों का आदान प्रदान करते हैं तो लेन देन करने से पहले सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपको सारी बातें पता करनी होगी सारी बातें पता करने के बाद ही आप धन संपत्ति का लेन देन करें क्योंकि आपके आने वाले समय के लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी और आवश्यक है मित्रों आने वाले समय के दौरान अगर आपके घर परिवार की बात करें तो घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य तौर पे बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार है आने वाले समय के दौरान ने आपके पारिवारिक जीवन में आपके घर वालों का साथ आपके घर वालों का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और इस कारण से आने वाले समय के दौरान ने आपका पारिवारिक जीवन ने बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है मित्रों आने वाले समय के दौरान अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको मानसिक हिंसा से बचना होगा भगवान में आपको विश्वास रखना होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार होगा आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सिल्वर और सफेद आपके लिए भाग्यशाली अंक है दो यानी कि टू तो यही था आपके आने वाले समय का राशि फल तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें धन्यवाद जय सिया राम राधे राधे